हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर के ईएमएफ समीकरण के बारे में पढ़ा था, तो आज हम सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की पहले परिभाषा देखेंगे, फिर इसका सूत्र देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात होता है किसी ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी ट्रांसफॉर्मर के लिए किसी ट्रांसफॉर्मर के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग, ब्रैकेट में लिखेंगे एन एस, तथा प्राइमरी वाइंडिंग ब्रैकेट में लिखेंगे एनपी की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात की परिभाषा यानी किसी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या तथा प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या के अनुपात को ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का प्रतीक या इसे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी के बराबर सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या बटे प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या, इस प्रकार से लिखा जाता है। और हमने जो ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण देखी थी उसमें भी हमने लिखा था कि ई एस बटे ई पी यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल भी बराबर होता है एन एस एन पी। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात को हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या पर निर्भर करता है, तो इसका पावर यानी शक्ति के साथ क्या संबंध हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न शक्ति सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न शक्ति से अधिक होती है, या हम लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न शक्ति प्राइमरी में उत्पन्न शक्ति से अधिक नहीं हो सकती है, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग से कम होती है। परंतु एक आदर्श ट्रांसफॉर्मर में हम प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न शक्ति और सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न शक्ति को बराबर रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि आदर्श ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी की पावर यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर बराबर होती है प्राइमरी वाइंडिंग में पावर के, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर बराबर होती है प्राइमरी वाइंडिंग के पावर में, पावर के, ठीक है। अब हम पावर का सूत्र भी लिख सकते हैं पी बराबर, इसकी हम लिख सकते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत धारा इनटू सेकेंडरी वाइंडिंग का ई एम एफ। इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग की विद्युत धारा इंटू प्राइमरी वाइंडिंग का ई एम एफ, ठीक है। या हम जब इसको एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ई एस और इसके बटे में ई पी हो जाएगा, इसके बराबर आई पी और बटे में ये आई एस चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के बराबर यानी ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात बराबर हमने देखा था ई एस बटे ई पी बराबर एन एस बटे एन पी, और अब हमने ये ज्ञात किया कि आई पी बटे आई एस, ठीक है। यानी ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात बराबर सेकेंडरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल बटे प्राइमरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल, सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग
प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा, सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत धारा। अब इनमें से अगर कोई दो चीज ज्ञात करने के लिए बोला जाए, या ये दो ज्ञात करनी होगी, या ये दो ज्ञात करनी होगी, या फिर इन दोनों में से कुछ ज्ञात करना होगा, इस प्रकार में यह एक सूत्र प्राप्त हुआ है। तो अब हम इससे एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है क्यों समझ रहे हैं? किसी थ्री फेज डेल्टा स्टार ग्यारह हजार चार सौ वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग की टर्न संख्या चालीस टर्न प्रति फेज हो तो प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है थ्री फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर, जिसकी प्राइमरी में ईएमएफ 11,000 वोल्ट है, सेकेंडरी में 400 वोल्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है जिसमें सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या 40 टर्न प्रति फेज है और प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम ईएमएफ समीकरण का प्रयोग करेंगे। पहले हमें हम वो चीज नोट करेंगे जो हमें दे रखी है। इस प्रकार थ्री फेज डेल्टा स्टार में 11,000, तो हमें यह प्राइमरी का ईएमएफ दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्राइमरी में ईएमएफ बराबर 11,000। हमें सेकेंडरी का 400 वोल्ट दे रखा है, लेकिन ये डेल्टा स्टार में संयोजित है, स्टार वाइंडिंग में संयोजित होने के कारण हम इसको लिखेंगे 400/√3, यानी थ्री फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है तो √3 लिखेंगे। यहाँ इसको लिख सकते हैं 400/1.732, और जब इसको हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 231 वोल्टेज, यानी ई एस बराबर 231 वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज। और हमें ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न की संख्या यानी एन एस की वैल्यू दे रखी है 40 टर्न। और एन पी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हम देखते हैं, पहले ट्रांसफॉर्मर समीकरण लिखेंगे कि ई एस ई पी बराबर एन एस एन पी। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एन पी ज्ञात करना है, तो हम इसका वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करने का, ठीक है, वज्र गुणा करेंगे एन पी का ई एस के साथ, यानी लिखेंगे एन पी इंटू ई एस बराबर ई पी का एन एस के साथ, यानी ई पी इंटू एन एस, या हम एन पी हमें ज्ञात करना है, एन पी बराबर हम लिखेंगे ई पी इंटू एन एस बटे ई एस लिखें। अब हमें एन पी बराबर ई पी की वैल्यू दे रखी 11,000, एन एस हमें दे रखा 40 और ई एस 231। अब इसको हम हल करेंगे,
बराबर 11,000 × 40/231। जब इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 एक 11 और इसको 11 से काटने पर 1000। या इसको हम लिखेंगे जब 1000 को 40 से गुणा करेंगे तो 40,000/21 और जब 21 से इसको काट देंगे तो लगभग 1900 टन या 1905 टन के लगभग अपना आंसर आएगा। प्राइमरी में टन की संख्या 1905 होगी, ठीक है। और ये जो हमने ईपी और ईएस एनएस लिखा है यहाँ इसको एक बार और नोट कर लेते हैं कि ईएस तो होता है प्राथमिक का ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल और ईएस होता है सेकेंडरी का ईएमएफ एनएस होता है सेकेंडरी में टर्न की संख्या और एनपी प्राइमरी में टर्न की संख्या, ठीक है। इस प्रकार की चार चीज थी जिसमें से हमने ये तीन चीज तो दे रखी थी और एनपी के बारे में ज्ञात करना था और हमने ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ समीकरण लगाकर एनपी की वैल्यू 905 टन ज्ञात की, ठीक है। तो इस प्रकार हमने एनपी निकाला। अब एक मिनट लेकर और करते हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात वाला सूत्र काम में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक 44 केवीए 11,220 वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में टर्न की संख्या 25 टर्न है तो निम्न ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है एक तो प्राइमरी में टर्न की संख्या, तो दूसरा हमें ज्ञात करना है प्राइमरी तथा सेकेंडरी में विद्युत धारा। प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रवाहित हो रहे विद्युत धारा ज्ञात करनी है। इस प्रकार में ये न्यूमेरिकल दे रखा कि 44 केवीए का ट्रांसफॉर्मर 11,220 वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी में टर्न की संख्या 25 है तो प्राइमरी में टर्न की संख्या ज्ञात करनी है, प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा की गणना करनी है। और सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर समीकरण लिखते हैं कि ई एस ई पी एन एस एन पी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें ई एस की वैल्यू दे रखी क्या, ई पी की वैल्यू दे रखी क्या, एन एस की वैल्यू दे रखी क्या और एन पी की वैल्यू दे रखी है या ज्ञात है। ई एस क्या देखेंगे कि 11,000 वोल्टेज हमें दे रखी है, ई पी ईपी हमें 11,000 वोल्टेज दे रखी है
और ES हमें 220 वोल्टेज दे रखी है, और सेकेंडरी मेटल कंडक्शन क्या 25 प्रण हमें दे रखी है, यानी प्राइमरी मेटल कंडक्शन क्या याद करनी है। तो इसको बस पूरा करते हैं, पहले तो लिखेंगे NP into ES बराबर EP into NS, या NP बराबर लिखेंगे EP into NS बटे ES, और NP बराबर लिखेंगे EP की वैल्यू मैंने रखी 11,000, NS की वैल्यू मैंने रखी 25, और ES की वैल्यू मैंने रखी है 220। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, जब इसको 11 से काटेंगे तो 100, और इसको 11 से काटेंगे तो 2, जब इसको 2 से काटेंगे तो 50, यानी NP बराबर लिखेंगे 50 इंटू 25, और जब इसको गुणा करेंगे तो NP बराबर 1250 करें, यानी हमें NP याद करना था और हमने NP याद किया है 1250 करें। पहला हमें सवाल करना था कि प्राइमरी में टर्म की संख्या ज्ञात कीजिए, और इस प्रकार हमने प्राइमरी में टर्म की संख्या ज्ञात कर ली 1250 टर्म। अब हम देखते हैं प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रवाहित होने विद्युत धारा का मान भी हमें ज्ञात करना है। अब प्राइमरी तथा सेकेंडरी में प्रवाहित होने विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र लिखेंगे कि केवीए, एंड ट्रांसफार्मर की कितनी रेटिंग दे रखी है, 44 केवीए दे रखी है, 44 केवीए, या हम इसको 44 केवीए को 44 इंटू किलो वोल्ट 33,000 लिख देंगे तो 44,000 हो जाएगा अपने पास। पहले इतना करेंगे, अब इस तरफ देखेंगे कि हमें प्राइमरी का विद्युत वाहक बल और प्राइमरी में टर्न की संख्या दे रखी है। हाँ, हमें प्राइमरी का विद्युत वाहक बल 11,000 दे रखा है, और प्राइमरी में करंट हमें ज्ञात करनी है, हम आई पी लिखेंगे। अब आई पी ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे आई पी बराबर 44,000, और आई पी के साथ इधर गुणा में 11,000 भी है, हमें तो आई पी की वैल्यू निकाली है, तो 11,000 इसके बाद में चला जाएगा, और जब इसको काटेंगे तो 4 एम्पियर, 11,000 यहाँ बाद में आ गया, यहाँ से इसको मिट हो गया। ठीक है, यानी आई पी की वैल्यू प्राइमरी में विद्युत धारा के पास 4 एम्पियर आ गई, यहाँ हम लिख लेंगे आई पी बराबर 4 एम्पियर। ठीक है, प्राइमरी में प्रवाहित विद्युत धारा हमने ज्ञात कर ली है 4 एम्पियर। अब इसी प्रकार हम सेकेंडरी में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी केवीए दे रखी है इसके बराबर। अब हमें सेकेंडरी में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो सेकेंडरी का ईएमएफ इनटू सेकेंडरी की विद्युत धारा। ठीक है, केवीए 44 केवीए है, तो 44 इंटू 1000, अब सेकेंडरी का 220 वोल्टेज हमें दे रखा है ईएमएफ, और सेकेंडरी की विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सेकेंडरी में विद्युत धारा गुणा में 220 बराबर 44,000, या आई एस बराबर 44,000 बटे 220, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 22 × 44, यानी सेकेंडरी में विद्युत धारा 200 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये दो जीरो बच रहे हैं, आप लिखते हैं, ठीक है, 200 एम्पियर। ठीक है, अब हम इस सेकेंडरी में प्रवाहित विद्युत धारा, जब हमने पहले प्राइमरी में विद्युत धारा ज्ञात कर ली, तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन लगाकर भी हम सेकेंडरी में प्रवाहित विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार देखेंगे कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का एक सूत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि के बराबर ई एस ई पी एन एस एन बी आई पी और आई एस, इस प्रकार लिखा था। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात वाला सूत्र लगाकर सेकेंड
आई एस। अब हमें सेकेंडरी में विद्युत धारा ज्ञात करनी है, तो हम इस सवाल से पूरा करेंगे तो लिखेंगे कि आई एस इंटू ई एस बराबर ई टी इंटू आई टी, ठीक है। और अगर आई एस की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम लिखेंगे आई एस बराबर ई पी इंटू आई पी बटे ई एस, ठीक है। याद रहे प्राइमरी में प्रवाहित विद्युत धारा 4 एम्पीयर पहले ही ज्ञात कर ली थी। अब इस सूत्र में मान रखेंगे तो सेकेंडरी में विद्युत धारा बराबर ई पी की वैल्यू हमें दे रखी है 11,000 गुणा में आई पी की वैल्यू हमने ज्ञात की थी 4 एम्पीयर और बटे ई एस यानी सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल हमें 220 दे रखा है। इसको जब काटेंगे 10 से 10, इसको 11 से काटेंगे तो 100 और 11 से 22, जब इसको 2 से काटेंगे तो 2, तो इनको गुणा करेंगे तो आई एस बराबर 200 एम्पीयर, ठीक है। हम इस प्रकार इस सेकेंडरी में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने